पंजाब के पानी को लेकर दिए गए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद सियासत गरमा गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी विरोधी पार्टियों के निशाने पर नजर आ रही है। अकाली दल ने इसे पंजाब की पीठ में चूरा घोपने वाला बताया, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि केजरीवाल की कभी हां कभी ना की पॉलिसी आम आदमी पार्टी को ले डूबेगी। एसवाईएल पर सिर्फ एक बयान और केजरीवाल फिर से सुर्खियों में आ गए। क्या दिल्ली के लोगों का पंजाब के पानी पर हक है कि नहीं? बिल्कुल है जी, सब कुछ है। दरअसल एसवाईएल पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार केजरीवाल को घेरने में जुटे थे। उन्होंने ट्विटर पर तब तक केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा जब तक केजरीवाल ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, लेकिन इस बार केजरीवाल ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। यू टर्न के लिए मशहूर केजरीवाल ने पंजाब के पानी पर सबका हक करार दे दिया। क्या दिल्ली के लोगों का पंजाब के पानी पर हक है कि नहीं? बिल्कुल है जी, सब कुछ है, सबका हक है। यहीं से कांग्रेस और अकाली दल ने उन पर जुबानी हमले तेज कर दिए। पंजाब के सीएम ने कहा कि केजरीवाल कभी भी पंजाबियों के नहीं हो सकते। वहीं सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि केजरीवाल ने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का एसवाईएल का स्टैंड क्लियर कर दिता। उन्हें कल क्लियर कर दिता है कि पंजाब के पानिया का हक दिल्ली का ते दूजे सूबे का। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਕ ਸਟੈਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर केजरीवाल को घेरने का सिलसिला और तेज कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक केजरीवाल का ताजा बयान पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि एसवाईएल पर केजरीवाल का यू टर्न पंजाब में पार्टी से जुड़े विवादित मसलों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। जलंधर से राजीव वधवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।